देश के मानचित्र को देखिए, ध्यान से देखिए और इस मानचित्र में छिपी इस कहानी को भी समझिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां ममता बनर्जी है, ओडिशा है जहां पर नवीन पटनायक है यानी कि बीजू जनता दल, झारखंड हेमंत सोरेन यानी JMM कांग्रेस के साथ गठबंधन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास, आंध्र प्रदेश जगन रेड्डी, तेलंगाना चंद्रशेखर राव, राजस्थान कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अब सवाल लाख टके का है, सवाल ये कि महाराष्ट्र में क्या होगा। इस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो बस शरद पवार पर नजर रखिएगा। शरद पवार पर वो कहते हैं, जो कहते हैं, जो समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए उससे उलट होने वाला है। क्योंकि शरद पवार के हाथ में जितने पत्ते होते हैं आस्तीन में उतने छिपे होते हैं। अगर महाराष्ट्र की सियासत को समझना चाहते हैं आप तो इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी दिखाई देती है 105 सीटों के साथ, मगर शिवसेना 56, NCP 54 और कांग्रेस 44 सीटों के साथ खड़ी है जहां पर 13 निर्दलीय है। यानी कुल मिलाकर कहें तो 145 की मेजोरिटी मार्क वाली इस विधानसभा में संकेत साफ है कि कोई भी इधर गया या उधर गया तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। परेशान उद्धव भी हैं, सोनिया भी हैं, परेशान शरद पवार भी हैं। वाकई में महाराष्ट्र में सरकार क्या गिरने जा रही है। तीन बड़े खिलाड़ी, तीन बड़े किरदार इस वक्त इस पूरे खेल में माने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा चेहरा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और तीसरा जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और इसमें तीन हथियार बीजेपी के पास, ईडी, इनकम टैक्स और CBI इस खेल में शामिल है। समझिए कैसे संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा। यहां सिर्फ मसला संजय राउत का नहीं है, मसला अनिल देशमुख का है जहां महाराष्ट्र के गृहमंत्री जेल में है, नवाब मलिक जेल में है जो शरद पवार के बेहद खासम खास हुआ करते थे, अजीत पवार की स्थिति क्या है, उनके खिलाफ शुगर मिल की फाइलें खुल रही हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं। वही अजीत पवार जो रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन में शपथ ले रहे थे, वही अजीत जो आज मुश्किल में है। गिनते जाइए, जगदीश कदम, इनके बाद शिवसेना के नेता आते हैं अर्जुन खोटकर, श्रीधर माधव, अनिल परब जो परिवहन मंत्री हैं, यानी एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। नोटिस तो शरद पवार को भी गए, प्रफुल्ल पटेल को भी गए, दर्जन भर नेताओं को नोटिस भेजे गए हैं। चुन चुन कर गैर भाजपाई नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि 2024 से पहले सरकार गिर जाएगी या फिर बीजेपी सरकार बना लेगी। ईडी ने एक के बाद एक कई नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी कहती है कि जो फाइल सौंपी गई थी कि 122 विधायक और सांसदों पर कार्रवाई होनी तय है और उसमें से लगभग महाराष्ट्र के एक दर्जन और मंत्री भी हैं, नेता और मंत्री, विधायक भी इसमें शामिल है। अब सवाल यह कि क्या दिल्ली को महाराष्ट्र चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर शरद पवार मोदी के द्वार पर चाहते हैं। वो शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य खिलाड़ी या फिर माहिर खिलाड़ी, कुछ भी कहिए, ये वही शरद पवार है जिन्होंने 1977 के दौर में कांग्रेस को झटका दिया था, महज 38 बरस की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। ये वही शरद पवार है जिन्होंने सोनिया काल में कांग्रेस को झटका दिया। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने वाले? क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री और पवार की मुलाकात संजय राउत को लेकर थी या फिर संकेत था कि यह बताइए कि PM साहब आप चाहते क्या है? उद्धव क्या CM बन के फंस गए? क्या शरद पवार कटघरे में है, दिल्ली के सियासी गलियारों में या फिर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा आम है? शरद पवार सत्ता के साथ खड़े होंगे या फिर सत्ता के खिलाफ? शरद पवार सियासत के हर रंग को जानते हैं, हर रंग को बदलना जानते हैं, क्योंकि सत्ता भी चाहिए, पावर भी चाहिए और फाइलों के बोझ को कम करना भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।